सो आज हमारी माँ भी आई है अभी घास लगाने के लिए, और वो किस तरीके से लगा रही है वो आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसको लगाना कैसे होता है। तो ये छोटा छोटा आपको थोड़ा रेशे ले लेना है, बस इतना इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। और उसको आपको लगभग लगभग 3 इंच 4 इंच के गेप में आप इसे लगा सकते हैं, जैसा कि आप देखोगे। सो इतना जो है आपका गेप होना चाहिए, सभी में 2 3 इंच 4 इंच के आसपास जो है गेप के आसपास हमने लगाया हुआ है। एक मैं भी अभी लगा के आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा गड्ढा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सो इसमें आपको डालना है इस तरीके से, और आपको थोड़ा सा मोबाइल भी एक हाथ में रखा हूँ मैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो इसको आपको चारों तरफ से आपको इसको मिट्टी से ढक देना है। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कल जो है हमारा क्यारी बनाने का काम हुआ था, जैसे कि ये ईंटें आपको दिख रही होंगी, तो ये हमने कल क्यारी बनाने का काम किया था, और उसके साथ साथ इसमें कुछ छोटे छोटे पौधे भी लगा दिए हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सो ये तो काम हमारा कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा हमारा काम बाकी है। हमें थोड़ा सा शौक है गार्डन बनाने का। सो गार्डन बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो जगह अच्छी होनी चाहिए, वो तो हमारे पास है, और इसको अभी सफाई करने में हम लगे हुए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ थोड़ा सा सफाई हो चुकी है, एक तरफ बाकी है, दूसरी तरफ बाकी है। मतलब क्या है, अभी थोड़ी सी बारिश चल रही है तो बारिश में आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उग के आ गए हैं। तो अभी क्या है, इसको हटाना ज़रूरी है, नहीं तो जो भी घास हम लगाएंगे वो इसको खा देगा। मतलब ये जल्दी पनप जाएगा लेकिन वो घास ग्रो नहीं करेगा, तो इसको सफाई करनी ज़्यादा ज़रूरी। इसे खरपतवार कहते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे। सो जगह हमने धीरे धीरे से साफ कर ली है, और उसके बाद जो है ये हमारे पास घास जो आप देख रहे होंगे, तो ये थैले पे हमने घास रखी हुई है, और ये है कोरियन घास जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये बहुत जल्दी ही ग्रो होता है, मतलब इसमें इसको लगाने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती, खाली आपको ये जगह जो आप जिस जगह पे लगाने वाले हो वो साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर नॉर्मल आपको थोड़े से छोटे छोटे 2 इंच के गड्ढे खन के आपको डालने होंगे। सो ये घास आपको आसानी से मिल जाएगी, किसी भी आप जो गार्डन्स वगैरह होंगे आपके आसपास वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, माली वगैरह होते हैं, उनसे आप ये मांग सकते हैं थोड़े से पैसे देकर। सो ये आसानी से फिर आप इसे जो है लगा सकते हैं। फिलहाल हमारा भी गार्डन बनाने का काम जो है अभी हम चालू करेंगे। सो ये एक थैला है और ये दूसरा थैला, काफ़ी सारे हैं हमारे पास। और लगाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होने चाहिए, कैसा लगाना चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और थोड़ा सा हमारा जो शौक है वो भी थोड़ा पूरा हो जाए, और मेहनत करेंगे अभी इसके लिए, और देखते हैं कि आगे ये कितना सक्सेसफुल होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी जो है हमारा गार्डनिंग का काम चल रहा है, और जैसा कि अभी छोटा क्लिप देखे होंगे तो उसमें हमने पूरी सफाई इसकी अच्छे तरीके से कर ली है। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा तो क्यारियाँ वगैरह बन गई हैं, और जो हमारा ये जगह है जिस जगह पे हमें अभी घास लगानी है वो भी हमने अच्छे से साफ कर लिया है। और अभी इसमें हम लगाएंगे इटालियन घास जो कि काफ़ी अच्छा होता है। कौन सा? हाँ, कोरियन ग्रास है, मैं शायद भूल गया था, कोरियन ग्रास है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, ग्रोथ वैल्यू काफ़ी अच्छी है उसकी, काफ़ी जल्दी से बढ़ता है। लेकिन भी हमारा फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं कि कितने जल्दी से वो सक्सेस होता है। और कुछ इस तरीके से इस जगह है, मतलब जो लगाने वाली जो जगह है वो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे,
इसको अच्छी तरीके से हमने साफ कर लिया, पूरी बराबर है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और अभी जो है लगाने का काम जो है चल ही रहा है। सो वो प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो इस ग्रास को लगाना होता है। इस तरीके से आपको छोटा गहरा गड्ढा कर लेना है, छोटा 2 इंच के आसपास बस। सो फिर उसमें आप इसको इस तरीके से प्रोसेस में लेके आप लगा सकते हो, जैसे कि ये लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने लगाया हुआ है, जो बाकी चीजें लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से अभी हमने इतने जगहों पे लगाया हुआ है। और जो है ये है हमारे पास इटालियन ग्रास, इसके बारे में तो आगे और बता ही चुका हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको लगाना होता है। एक छोटी सी आपको थोड़ी सी रेसे लेने हैं, मतलब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और उसको आपको सीधे सीधे 2 इंच जो गड्ढे आपने खने हुए हैं उसमें आपको रोप देना है। सो आज हमारी माँ भी आई है अभी घास लगाने के लिए, और वो किस तरीके से लगा रही है वो आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसको लगाना कैसे होता है। तो ये छोटा छोटा आपको थोड़ा रेसे ले लेना है, बस इतना इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। और उसको आपको लगभग 3-4 इंच के गेप में आप इसे लगा सकते हैं, जैसा कि आप देखोगे। सो इतना जो है आपका गेप होना चाहिए, सभी में 2-3 इंच 4 इंच के आसपास जो है गेप के आसपास हमने लगाया हुआ है। एक मैं भी अभी लगा के आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा गड्ढा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको डालना है इस तरीके से, और आपको थोड़ा सा मोबाइल भी एक हाथ में रखा हूँ मैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो इसको आपको चारों तरफ से आपको इसको मिट्टी से ढक देना है। सो इस तरीके से आपका जो है घास लग जाएगा, और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा इसमें लगने के बाद जब कंप्लीट हो जाए आपका प्रोसेस, सो आपको इसमें पानी का छिड़काव कर देना है। और बस यही प्रोसेस है, और जब ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए सो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से लगने के बाद दिखेगी।